दोस्तों, आज के सफर में आपका साथ देने वाले हैं राहुल बागल और अरविंद चव्हाण। दोस्तों नमस्कार। सोलापूर, सोलापूर शहरात आपलं स्वागत आहे। सोलापूर नगरक के सुस्वागत, सोलापूर नगराने की स्वागतम। दोस्तों, सोलापुर शहर का इतिहास बहुत ही पुराना है। प्रारंभिक शताब्दियों में सोलापुर शहर चालुक्यों और यादवों के शासन में था, किंतु बाद में यह बहमनी और बीजापुर साम्राज्य का हिस्सा बन गया। सोलापुर का अर्थ है सोलह और पुर यानी सोलह गांव। ईस्वी सन 1238 के शिलालेख में इस शहर का जिक्र सोनालीपुर के नाम से किया गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करके आईटीवी फैमिली का हिस्सा बने। चलो फिर ज्यादा समय की बर्बादी ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं। सोलापुर महाराष्ट्र का एक प्रमुख शहर है। यह शहर भारत के दक्षिण उत्तर रेलवे मार्ग का एक मुख्य जंक्शन है और यह है सोलापुर का रेलवे स्टेशन, जिसे कभी भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन का खिताब मिला था। दोस्तों, यहाँ की मुख्य भाषा मराठी है, लेकिन सोलापुर शहर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य की सीमा पर होने के कारण यहाँ पर कन्नड़ा और तेलुगु भाषाएं भी बोली जाती है। सोलापुर शहर को हुतात्मों का शहर भी कहा जाता है। मल्लप्पा धनशेट्टी, किशन सारडा, जगन्नाथ शिंदे और कुर्बान हुसैन, इन क्रांतिवीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी थी। इन हुतात्माओं के याद में इस चौक का नाम दिया है हुतात्मा चौक। श्री शिवयोगी सिद्धेश्वर महाराज मंदिर, 12वीं शताब्दी में श्री सिद्धेश्वर जी ने इस परिसर में 68 शिवलिंगों की स्थापना की थी। उन्होंने वीरशैव तथा लिंगायत समाज के माध्यम से समाज सुधारणा का कार्य किया। उन्होंने यह तालाब बनवा के पानी की समस्या का निराकरण किया था। यहाँ पे हर साल सिद्धेश्वर यात्रा का प्रायोजन किया जाता है। इसे गड्ढा यात्रा नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये है सोलापुर का भुईकोट किला। भुईकोट मतलब जमीन पे बना हुआ किला। इस किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में किया गया था। इस किले से हिंदू और मुस्लिम दोनों ही राजवंशों ने राज किया था। इस किले में दो मंदिर भी है। यह भगवान शिवशंकर का मंदिर है। इस मंदिर पे की हुई शिल्पकला वैशिष्ट्यपूर्ण है। दोस्तों, सिद्धेश्वर मंदिर के अलावा सोलापुर में और भी कई प्रसिद्ध मंदिर है, जैसे कि रेवण सिद्धेश्वर मंदिर, रूपा भवानी मंदिर, श्री मार्कंडेय मंदिर और आजोबा गणपति मंदिर इत्यादि। भागवत चित्र मंदिर, दोस्तों शायद ये भारत का सबसे पुराना मल्टीप्लेक्स थिएटर है। सोलापुर के मनोरंजन क्षेत्र में यह सबसे अहम स्थान पर हुआ करता था। पास ही में है प्रभात थिएटर, यहाँ भी एक बहुत पुराना थिएटर है। गर्मी के दिनों में सोलापुर शहर का तापमान 42 डिग्री के पार चला जाता है। दोस्तों, यह है कंबर तलाव। इसे साफ रखने की जिम्मेदारी सोलापुर वासियों की ही है। हम ये देख सकते हैं कि यह जिम्मेदारी ठीक से निभाई नहीं जा रही है। लोगों ने यहाँ पे कचरा डालना शुरू कर दिया है। दोस्तों, यह है हिप्परगा तालाब। यहाँ पे बारिश के मौसम में तो पानी होता है और सर्दियों के दिनों में यहाँ पे बाहर से आए हुए पंछी भी होते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में यह बिल्कुल सूख जाता है। साहित्य रत्न लोक शहर अन्ना भाऊ साठे चौक। दोस्तों, सोलापुर में बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अस्थि विहार प्रेरणा भूमि, यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अस्थि कलश है। यह सुंदर इमारत सोलापुर महानगर पालिका की है। यह है नवी पेट। यह पुराने जमाने से कमर्शियल स्ट्रीट है।
बुलाती है मगर जाने का नहीं। दोस्तों, सोलापुर की कड़क भाकरी और शेंगा चटनी बहुत प्रसिद्ध है। ये शेंगा चटनी मूंगफली और लाल मिर्च से बनी हुई होती है। कड़क भाकरी सूखी हुई ज्वार या बाजरा की रोटी होती है। सोलापुर शहर एक औद्योगिक केंद्र भी है। सूती वस्त्र के क्षेत्र में यह मुंबई के बाद दूसरा केंद्र है। यहाँ की चादरें और टॉवल्स पूरे भारत में ही नहीं तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मित्रों, यह है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बना पब्लिक प्लाजा। लोगों के लिए खुली सार्वजनिक जगह देने के लिए इसे बनाया है। यहाँ पे बहुत सारे LED पैनल्स लगे हुए हैं, जो अलग अलग रंगों की बौछार करते हैं। प्लाजा के ऊपर सोलर पैनल भी लगे हुए हैं। सोलापुर शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे है। पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर सोलापुर यूनिवर्सिटी, यहाँ पर वालचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यह इंजीनियरिंग कॉलेज है। यहाँ पे VM मेडिकल और कई प्राइवेट और शासकीय पॉलिटेक्निक्स है। दोस्तों, सोलापुर शहर के बाहर यूनिवर्सिटी के पास में बना हुआ है यह साइंस सेंटर। यहाँ पे आपकी बहुत सारी वैज्ञानिक संकल्पनाएं स्पष्ट हो जाएंगी। अगर यह जगह आपने पहले नहीं देखी है तो जरूर जाना चाहिए। सोलापुर से 50 किलोमीटर की दूरी पे है तुलजापुर, 70 किलोमीटर की दूरी पे है विठोबा माउली का पंढरपुर और 40 किलोमीटर की दूरी पे है श्री स्वामी समर्थ महाराज का अक्कलकोट। सोलापुर में कई प्रसिद्ध दरगाह भी है। इसमें सबसे प्रसिद्ध है शाह जरूर वाली दरगाह। सोलापुर से कुछ ही दूरी पे है ऐतिहासिक नळदुर्ग किला। इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, सोलापुर में आपको बहुत अच्छा खाना मिल जाता है। सोलापुर को अलविदा कहने से पहले हमने सावजी भोजन का आस्वाद लिया। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और पसंद आया तो लाइक कीजिए। आपको और भी ऐसे वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। यह वीडियो हमारे मराठी चैनल पे भी है। चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है।